10 अक्टूबर को रात करीब 1 बजे सिलचर के फाटक बाजार कालेबाड़ी रोड क्षेत्र में स्थित फैंसी बाजार में एक अग्निकांड के चलते 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठान राख का ढेर बन गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगे हुए इस अग्निकांड के चलते 12 व्यापारी पूरी तरह खाक में बदल गए। सूत्र के अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ करीब 10 लाख रुपये के सामान आग में जलकर राख हो गया। प्रभावित परिवार वर्ग को सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्रशासन जहां कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नेता भी इलाके का दौरा कर रहे हैं। करीब 8 फायर ब्रिगेड के वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 8 घंटे मेहनत मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। इसी दौरान 10 से 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलकर राख हो गए। एकाएक इस वारदात को लेकर रात को अफरा तफरी का माहौल छा गया। पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड के कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाए और तो आखिरकार 8 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इधर 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठान आग की लपेट में आ जाने से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक इन दिनों बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं।